हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री डिश टेक्निकल फाइनटेक चैनल में। दोस्तों, डीडी फ्री डिश प्रसार भारती ने लिया एक बड़ा नियम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, यह निर्णय इतना अच्छा रहा कि सब दर्शकों को यह निर्णय पसंद आया। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि MPEG-4 सेटअप बॉक्स में जो चैनल होते हैं वो HD दिखाए जाते हैं, मतलब हाई डेफिनेशन चैनल दिखाए जाते हैं। ज़्यादातर हमारे दूरदर्शन के 2-3 ही चैनल ऐसे हैं जो हाई डेफिनेशन में दिखाए जाते हैं, मतलब HD में दिखाए जाते हैं। लेकिन अब डीडी फ्री डिश प्रसार भारती ने ऐसी नियमावली लाई है कि इस नियमावली से पूरा डीडी फ्री डिश का भाग्य खुल जाएगा, मतलब दोस्तों ऐसे ही समझिए, और देखने वालों की नजातियाँ भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, हाई डेफिनेशन की बात करें तो पहले नंबर पर आता है DD नेशनल, DD इंडिया हो गया, ऐसे चैनल हो गए हैं, हाल में DD स्पोर्ट भी। तो अभी तक बाकी जो चैनल है, रीजनल चैनल DD के, वो हाई डेफिनेशन में उपलब्ध नहीं है, सिर्फ HD में उपलब्ध है। इसलिए प्रसार भारती डीडी फ्री डिश ने यह निर्णय लाया है कि 2021 से 22 तक जो DD के चैनल होते हैं, दूरदर्शन के चैनल होते हैं, उनको HD में, मतलब हाई डेफिनेशन में दिखाया जाए, और यह प्रस्ताव भी किया है। तो जल्द ही हमें यह चैनल मिलने को के, मतलब दोस्तों जितने प्राइवेट चैनल HD हाई डेफिनेशन में नहीं है, उतने दूरदर्शन के चैनल हाई डेफिनेशन में 2022 तक हो जाएंगे दोस्तों, और देखने में दर्शकों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी हो या फिर ऑडियो क्वालिटी हो, बहुत अच्छी दिखाई जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए फ्रेश जानकारी के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।